थिंग्स लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल। आज हम आए हैं महाराष्ट्र में अमरावती। सुरजी अंजनगांव में बैलों की बहुत अच्छे से पूजा की जाती है, उनको नहलाया जाता है और फिर यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में यहाँ पर उनको लाया जाता है और फिर उनको अच्छे तरह से यहाँ पर उनके साथ उनको सम्मान दिया जाता है। अभी सब जम हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर मेले में शुरुआत होती है। तो ऐसे बहुत सारे बैल यहाँ पर आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस यात्रा में सबसे ज्यादा जो ये किया जाता है, यहाँ पे खिलाने भी मिलते हैं, लाया भी मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा खाने की चीजें भी इस यात्रा में मिलती है, तो बहुत सारा एंजॉयमेंट यहाँ पे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ जो पूरा है, यहाँ पे बांसुरियां भी है और आप इसको देख सकते हो। दोस्तों बहुत भीड़ है, हमें शूट करना भी बहुत सारा कठिन हो रहा है, चलना भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा लोग खाने की चीजें ये करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू भी आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे जिलेबी है, ये हमारे आंबेकर करके है, इनका भी बहुत अच्छा सप्लाई ये करते हैं। माना दोस्तों, यहाँ पे खाने के लिए कोई कमतरता नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको मिल सकते हैं। तो सब जन यहाँ पे जब हनुमान जी के दर्शन करके जब बड़ी राजा जब यहाँ पे अपने बैल को नीचे उतारता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी स्टेयर होती है और उसको पार करके नीचे उतरना होता है। तो दिक्कत ये होती है इतने सारे भीड़ में और इतना ऊंचाई से उस बैल को नीचे उतराया जाता है, तो ये भी एक कला है। लेकिन जो बैल होता है वो शांति से नीचे उतर जाता है, किसी भी प्रकार का वो इतना शोर में भी अच्छे तरह से लोग उसको नीचे उतराते, तो ये भी एक कला है। तो ये भगवान जी का एक चमत्कार ही कहा जाएगा कि इतनी सारी भीड़ में और बैल भी एकदम शांति से नीचे उतर जाता है। माना का जो बैल है अभी यहाँ पे भारत के वहाँ पे जाएगा और फिर वहाँ पे सबसे दर्शन लेकर के गुजारा एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पंडित है जो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी सारी पब्लिक है और सारा काम जो है उसका चलते ही जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है दोस्तों, वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो सामने जो दिखाई दे रहा है एक मंदिर है और वहाँ पर ये सारे बैल जाते हैं और फिर वहाँ पे सब दर्शन। तो दोस्तों, अभी हमारे पास हमारा जो परिवार है वो भी हमारे साथ आया हुआ है, तो हम उनको भी सबको मिलाएंगे। देखिए हमारे साथ, ये मेला बहुत ही विशाल है, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप इस मेले में से बहुत सारी चीज़ें खरीद भी सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि सुरजी वालों का दिल बहुत बड़ा है और आपके लिए भी ये सुरजी स्थान घूमने के लिए, देखने के लिए और यहाँ पे बड़ी राजा को मिलने के लिए आपको यहाँ पे आना जरूर चाहिए। दोस्तों, अभी रात के 9 बज चुके हैं, फिर भी देखिए आप लोग यात्रा में आते ही जा रहे हैं। तो यात्रा बहुत बड़ी है, हम कितना भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे लेकिन यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि समय का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी सुरजी वालों में बहुत ही जोश है, बहुत ही उमंग उत्साह से ये मेला मनाते हैं और यहाँ पे बहुत सारा
यहाँ पे खरीदारी भी करते हैं। बहुत दूर दूर से भी लोग ये मेला देखने के लिए सुरजी में आते हैं। तो सुरजी का बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ पर जगत गुरु महारुद्र श्री देवनाथ महाराज प्रगट भूमि भी है। तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में श्री जगत गुरु महाराज श्री देवनाथ महाराज प्रगट भूमि भी दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों लाइक और कमेंट तो बनता ही है, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी जरूर दबाएं और आपका प्यार मिलता रहेगा। हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियो दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में लिए।